डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे रूडिनेरिया के बारे में और आज हम पढ़ेंगे इसके हीमोसिलोमिक सिस्टम के बारे में। इसके सिलोम जो है वो रिड्यूस हो चुकी होती है और सिलोम के अंदर बॉट्राइडल उत्तक भरे हुए होते हैं। इसकी सिलोम जो है वो रिड्यूस होकर के 4 इंटर कम्युनिकेटिंग हीमोसिलोमिक चैनल्स का निर्माण करती हैं और उनकी शाखाएँ होती हैं और दूसरे कुछ सिलोमिक साइनसेज पाए जाते हैं। हीमोसिलोमिक चैनल्स जो हैं उनमें जो 4 हीमोसिलोमिक चैनल्स है उनमें डोर्सल और वेंट्रल चैनल्स होते हैं जिनकी भित्ति पतली होती है और 2 लेटरल चैनल्स होते हैं जिनकी भित्ति जो है वो मस्कुलर होती है। ये चारों जो लॉन्गिट्यूडिनल चैनल्स है और लाइंड विथ सिलोमिक एपिथीलियम, तो सिलोमिक एपिथीलियम का स्तर इनमें पाया जाता है। हीमोसिलोमिक चैनल्स जो हैं इनकी कई सारी शाखाएँ होती हैं। द मोस्ट प्रोमिनेंट आर दोज ऑफ द वेंट्रल चैनल विच फॉर्म बैग लाइक स्वेलिंग एनक्लोजिंग सीलिएटेड ऑर्गन्स। तो इसमें से जो वेंट्रल चैनल है उसमें इसकी कई सारी ब्रांचेज होती हैं जो कि बैग लाइक स्वेलिंग बनाती हैं और सीलिएटेड ऑर्गन्स को, पक्ष्माभि अंगों को यह एनक्लोज करती है। दीज स्वेलिंग्स आर पेरीनेफ्रोस्टोमियल एम्पुली, इनको पेरीनेफ्रोस्टोमियल एम्पुली कहते हैं। और चैनल्स एंड देयर ब्रांचेज कंटेन रेड हीमोसिलोमिक फ्लूड, सभी चैनल्स में और उनकी शाखाओं में लाल रंग का हीमोसिलोमिक द्रव भरा हुआ होता है क्योंकि ये इसमें लाल रंग का तरल भरा हुआ होता है, इसलिए इन चैनल्स को हीमोसिलोमिक चैनल्स कहते हैं और इनको ब्लड वेसल्स नहीं कहते हैं क्योंकि यह फ्लूड जो है, यह तरल जो है वो रक्त नहीं होता है बट सिलोमिक फ्लूड होता है जो कि लाल दिखाई देता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन घुला हुआ होता है। सिलोमिक साइनसेस जो सिलोम में पाए जाने वाले रक्त पात्र हैं, रिक्त पात्र हैं, आर स्पेसेज विद इन टेस्टिस सेक्स एंड ओवी सेक्स विच एनक्लोजेज द गोनेड्स एंड अराउंड द वासा डिफरेंसिया। तो सिलोमिक साइनस जो हैं वो वर्षण कोष के बाहर और अंडकोष के बाहर उनको घेरता है और वासा डिफरेंसिया को भी घेरता है। दे आर लाइंड विथ सिलोमिक एपिथीलियम विच गिव्स राइज टू गोनेड्स। दे कंटेन कलरलेस सिलोमिक फ्लूड, तो इसमें कलरलेस सिलोमिक फ्लूड होता है पहले से विथ नो हीमोग्लोबिन, सजेस्टिंग द फैक्ट दैट द सिलोम साइनसेज आर रेमनेंट ऑफ ओरिजिनल सिलोम। तो ये माना जाता है कि सिलोमिक साइनसेज जो हैं वो वास्तविक सिलोम के अवशेष हैं क्योंकि इनमें जो सिलोमिक फ्लूड होता है वो कलरलेस होता है। एंड दे सेपरेट वेरी अर्ली बिफोर हीमोग्लोबिन डेवलप्स इन द सिलोमिक फ्लूड, और ऐसा माना जाता है कि वे परिवर्तन के दौरान बहुत जल्दी ही अलग हो गए उससे पहले कि हीमोग्लोबिन का निर्माण होता। हीमोसिलोमिक सिस्टम, क्योंकि हीमोसिलोमिक इसमें एरुडिनेरिया में ट्रू वेस्कुलर ब्लड वेस्कुलर सिस्टम नहीं होता है और इसका जो सिलोमिक स्पेस है और जो फ्लूड है यह मॉडिफाइड हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। इट कंसिस्ट्स ऑफ मच रिड्यूस्ड सिलोम कंटेनिंग रेड सिलोमिक फ्लूड विथ हीमोग्लोबिन इन सॉल्यूशन एंड कलरलेस अमीबॉइड कॉर्पसल्स। तो इसमें सिलोम जो है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती हैं जिसमें कि लाल रंग का सिलोमिक फ्लूड भरा हुआ होता है जिसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है और कलरलेस अमीबॉइड कॉर्पसल्स या कणिकाएं पाई जाती है। हीमोसिलोमिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 4 लॉन्गिट्यूडिनल हीमोसिलोमिक चैनल्स, जैसा कि अभी मैंने बताया था, एक डोर्सल चैनल होता है, एक वेंट्रल चैनल होता है और 2 लेटरल चैनल्स होते हैं। डोर्सल और वेंट्रल चैनल जो है उनकी भित्ति पतली होती है और जबकि लेटरल चैनल्स की भित्ति जो है वो मोटी मस्कुलर होती है।
उनकी शाखाएं और कुछ कैपिलरी जो हैं वो नेटवर्क या जाल बनाती है। लॉन्गिट्यूडिनल इमोसिलोमिक चैनल्स आर वन डोर्सल चैनल, वन वेंट्रल चैनल एंड टू लेटरल चैनल्स। इमोसिलोमिक फ्लूड फ्लोज फ्रॉम पोस्टीरियर टू एंटीरियर साइड इन द डोर्सल एंड लेटरल चैनल्स। तो इसकी जो पृष्ठ और पार्श्व वाहिकाएं हैं उनमें इमोसिलोमिक फ्लूड जो है वो पीछे से आगे की तरफ बहता है। एंड इट फ्लोज फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर साइड इन द वेंट्रल चैनल। और जो वेंट्रल चैनल है, अदर जो वाहिका है, उसमें यह इमोसिलोमिक फ्लूड जो है वो अग्र से पश्च दिशा की तरफ बहता है। ऑल फोर चैनल्स आर जॉइंट टू ईच अदर इन द पोस्टीरियर रीजन। तो ये सारे के सारे चारों चैनल्स जो हैं यह पोस्टीरियर रीजन में पश्च भाग में जाकर के एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। द डोर्सल एंड वेंट्रल चैनल्स आर डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल्स। तो डोर्सल यानी पृष्ठ और अदर वाला जो वाहिका है वो वितरण का कार्य करती हैं, वितरण वाहिका कहते हैं, जबकि जो लेटरल चैनल्स है जो पार्श्व वाहिकाएं हैं ये डिस्ट्रीब्यूशन एंड कलेक्शन दोनों का काम करती है, जैसा कि नीचे डायग्राम में दिखाया गया है। टीएस बॉडी थ्रू डोर्सो एब्डोमिनल ब्रांचेज। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ डोर्सो इमोसिलोमिक चैनल है, नीचे की तरफ वेंट्रल इमोसिलोमिक चैनल है जो कि वेंट्रल नर्व कॉर्ड को घेरे हुए, गैंग्लियन को घेरे हुए हैं, और इससे दो शाखाएं निकल रही हैं, एक तो वेंट्रल ब्रांच है और दूसरी ऊपर की तरफ शाखाएं निकल रही हैं, उसमें एक कुटेनियस ब्रांच है और दूसरी जो है एब्डोमिनो डोर्सल ब्रांच है। इसी प्रकार से लेटरल इमोसिलोमिक चैनल्स जो हैं दो चैनल्स इसमें दिखाई दे रहे हैं, जिससे लेटरो लेटरल निकल रही है शाखा और एक इसमें इससे लेटरो लेटरल शाखाएं निकल रही हैं। नेक्स्ट है इसमें इसका जो डोर्सल चैनल है यह रन्स मिड डोर्सली बिलो द बॉडी वॉल एंड अबोव द एलिमेंट्री कैनाल। तो यह देह भित्ति के नीचे होता है, बिल्कुल मध्य भाग में होता है, पृष्ठ भाग में होता है, देह भित्ति के नीचे होता है और आहार नाल के ऊपर होता है। इसकी भित्ति जो है वो पतली होती है, नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल यानी असंकुचनशील होती है और कनेक्टिव टिश्यूज एंड सीलोमिक एपिथीलियम की बनी होती है, यानी संयोजी उत्को की और सीलोमिक उपकला की बनी होती है। इन ईच सेगमेंट द डोर्सल चैनल्स gives off two pairs of dorsolaterals, taking the hemosilomic fluid to the dorsal and dorsolateral regions of the body wall. तो प्रत्येक खंड में इसके, क्योंकि 33 खंड होते हैं, प्रत्येक खंड में डोर्सल चैनल जो हैं उससे दो शाखाएँ निकलती हैं और dorsolaterals जो होती हैं वो hemosilomic fluid को dorsal और dorsolateral रीजन ऑफ बॉडी वाल में ले जाती है। और सेवरल डोर्सो इंटेस्टाइनल्स, तो दो शाखाएँ डोर्सो लेटरल है जो कि इमोसिलोमिक फ्लूड को देह भित्ति के पृष्ठ में और पृष्ठ पार्श्व भागों में ले जाती है। और कई सारी डोर्सो इंटेस्टाइनल्स जो हैं वो एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नाल तक जाती है। डोर्सल चैनल बाइफरकेट्स इन 22nd सेगमेंट। तो डोर्सल चैनल जो है पृष्ठ वाहिका जो है वो 22वें खंड में जाकर के दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है और ये दोनों ब्रांचेज जो हैं वेंट्रल चैनल के साथ में पश्च भाग में अदर वाहिका के साथ में जाकर के जुड़ती है। एंटीरियरली द डोर्सल चैनल फॉर्म्स ए नेटवर्क अबोव द एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम द 6th to 1st सेगमेंट। अग्र भाग में यह छठे से लेकर के पहले सेगमेंट तक इनके द्वारा नेटवर्क बनाया जाता है, जाल बनाया जाता है जो कि आहार नाल के ऊपर होता है। इन द डोर्सल चैनल देयर इज नो वाल्व एंड हीमोसिलोमिक फ्लूड फ्लोज बिहाइंड फॉरवर्ड। तो डोर्सल चैनल में किसी भी प्रकार का वाल्व या कपाट नहीं पाया जाता है और हीमोसिलोमिक फ्लूड जो है वो पीछे से आगे की तरफ बहता है। नेक्स्ट है वेंट्रल चैनल अदर वाहिका। डोर्सल चैनल के समान ही इसकी भित्ति भी नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल यानी असंकुचनशील पतली दीवार की बनी होती है और कनेक्टिव टिश्यूज एंड सीलोमिक एपिथीलियम की बनी होती है। और इट लाइज मिड वेंट्रली बिलो द एलिमेंट्री कैनाल
एक्सटेंडिंग फ्रॉम एंटीरियर टू द पोस्टीरियर एंड। तो यह आहार नाल के नीचे अदर भाग में, बीचों बीच में अदर भाग में पाई जाती है और यह अग्र से लेकर के पश्च सिरे तक फैली हुई होती हैं। इट इज़ ब्रॉड, चौड़ी होती हैं एंड एनक्लोजेज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम विद इन इट, और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को यह अपने अंदर घेरे हुए रहती है। प्रत्येक खंड में इसमें से भी दो जोड़ी शाखाएँ निकलती हैं। जो फर्स्ट ब्रांच है वो उसको कुटेनियस ब्रांच कहते हैं, डिवाइड्स इंटू ईच साइड इंटू टू ब्रांचेज। तो प्रत्येक तरफ की जो कुटेनियस ब्रांच है वो दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है, ए वेंट्रल ब्रांच जो कि वेंट्रल बॉडी वॉल तक जाती है, और दूसरी एब्डोमिनो डॉर्सल ब्रांच जो कि वर्टिकली होते हुए ऊपर की तरफ जाती है और डॉर्सल बॉडी वॉल तक जाती है, यानी पृष्ठ देह भित्ति तक जाती है। तो दोनों शाखाओं में से वेंट्रल ब्रांच जो अदर शाखा है वो बॉडी वॉल के अदर भाग, देह भित्ति के अदर भाग तक जाती हैं, और एब्डोमिनो डॉर्सल जो ब्रांच है वो ऊपर की तरफ जाकर के पृष्ठ देह भित्ति तक पहुंचती है। द सेकंड ब्रांच, तो फर्स्ट ब्रांच जो थी वो दो शाखाओं में विभाजित हुई, और जो सेकंड ब्रांच है ऑफ द वेंट्रल चैनल इन कमिश्योर ऑफ द लेटरल हीमोसीलोमिक चैनल्स, ईच सेगमेंट इज ए पेयर ऑफ नेफ्रिडियल ब्रांचेज। ईच नेफ्रिडियल ब्रांच रन्स आउटसाइड एंड एनलार्जेज इंटू ए पेरी नेफ्रोस्टोमियल एम्पुला विच एनक्लोजेज द सीलिएटेड ऑर्गन। तो सेकेंड ब्रांच जो है वेंट्रल चैनल की इन कमिश्योर संयोजिनी में ऑफ द लेटरल हीमोसीलोमिक चैनल्स, प्रत्येक खंड में यह जो है एक जोड़ी इसे नेफ्रिडियल ब्रांच निकलती है, और प्रत्येक नेफ्रिडियल ब्रांच जो है वो बाहर की तरफ बढ़ती है और पेरी नेफ्रोस्टोमियल एम्पुला का निर्माण करती है बड़ी होकर के, और इसके अंदर सीलिएटेड जो पक्ष्माभि अंग है उसको यह घेरने का काम करती है। नेक्स्ट, जैसा कि यहाँ पे डायग्राम में भी दिखाया गया है, और जो नेफ्रिडियल ब्रांच होती है इज फाउंड ओनली इन 11 सेगमेंट्स विच कंटेन टेस्टिस। तो नेफ्रिडियल ब्रांच जो है यह केवल 11वें खंड में पाई जाती है और जहाँ पर कि टेस्टिस उपस्थित होते हैं। दीज ब्रांचेज टेक द हीमोसीलोमिक फ्लूड टू नेफ्रिडिया बॉडी वॉल एंड सीलिएटेड ऑर्गन्स अराउंड विच दे फॉर्म बैग लाइक पेरी नेफ्रोस्टोमियल एम्पुली। तो नेफ्रिडियल ब्रांच जो है 11वें सेगमेंट में पाई जाती है जहाँ पर टेस्टिस होते हैं, और ये ब्रांचेज जो है हीमोसीलोमिक फ्लूड को वृक्क तक, देह भित्ति तक और पक्ष्माभि अंगों तक ले जाती हैं, और वहाँ पक्ष्माभि अंगों पर वहाँ जाकर के इनके द्वारा पेरी नेफ्रोस्टोमियल एम्पुला का निर्माण किया जाता है जो कि बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है। लाइक डॉर्सल चैनल द वेंट्रल चैनल हैज़ नो वाल्व बट हीमोसीलोमिक फ्लूड फ्लोज फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर साइड ऑफ द बॉडी। तो डॉर्सल चैनल के समान ही वेंट्रल चैनल में कोई भी कपाट नहीं पाया जाता है, लेकिन इसमें हीमोसीलोमिक फ्लूड जो है वो अग्र भाग से पश्च भाग की तरफ बहता है। नीचे एक डायग्राम दिखाया गया है जिसमें टीएस बॉडी थ्रू डॉर्सल एंड वेंट्रल कमिश्योर ऑफ द लेटरल हीमोसीलोमिक चैनल्स दिखाया गया है। तो यहाँ पर ये जो है ऊपर की तरफ डॉर्सो हीमोसीलोमिक चैनल है, नीचे की तरफ वेंट्रल हीमोसीलोमिक चैनल है, और साइडों में लेटरल हीमोसीलोमिक चैनल्स है। तो इनसे लेटरल हीमोसीलोमिक चैनल्स से जो नीचे की तरफ वेंट्रल कमिश्योर ऑफ लेटरल चैनल्स जो हैं ये पीछे नीचे की तरफ आकर के वेंट्रल हीमोसीलोमिक चैनल के नीचे से होकर के आपस में जुड़ती है, और इसी प्रकार से इनसे डॉर्सल कमिश्योर ऑफ लेटरल चैनल्स जो हैं वो आगे की तरफ ऊपर की तरफ है। तो यह पृष्ठ भाग में डॉर्सल हीमोसीलोमिक चैनल के ऊपर से होकर के गुजरती है। नेक्स्ट है लेटरल चैनल्स। तो एक डॉर्सल चैनल थी, एक वेंट्रल चैनल थी। डॉर्सल चैनल में पीछे से आगे की तरफ जो है हीमोसीलोमिक फ्लूड आता है और दो शाखाएं होती है, और लेटरल चैनल जो है वो डॉर्सल चैनल जो है आगे छठे सेगमेंट तक आती हैं, और छठे से लेकर के पहले सेगमेंट तक इनके द्वारा नेटवर्क यानी जालक का निर्माण किया जाता है।
जबकि वेंट्रल चैनल जो है वो भी उसकी भित्ति भी डोर्सल चैनल के समान ही थिन होती हैं, नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल होती हैं, लेकिन वेंट्रल चैनल पहले से लेकर के लास्ट सेगमेंट तक फैली हुई होती है और हीमोसिलोमिक फ्लूड का जो फ्लो है वो भी एंटीरियर टू पोस्टीरियर डायरेक्शन होता है। प्रत्येक सेगमेंट में इसके द्वारा भी दो जोड़ी शाखाएँ निकलती हैं। लेटरल चैनल्स जो हैं रन सिमेट्रिकली वन ऑन ईच साइड ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, तो यह एलिमेंट्री आहार नाल के दोनों तरफ एक एक होती हैं। दे आर लार्ज इन डायामीटर, व्यास इनका ज़्यादा होता है एंड बिकम इवन लार्जर इन द पोस्टीरियर थर्ड ऑफ द बॉडी। द लेटरल चैनल्स हैव कॉन्ट्रेक्टाइल मस्कुलर वाल्स एंड दे कंटेन वाल्वस विच अलाउज द हीमोसिलोमिक फ्लूड टू फ्लो फ्रॉम बियाइंड फॉरवर्ड्स ओनली। तो इनकी भित्ति जो है वो संकुचनशील होती हैं और पेशीय भित्ति होती हैं जिनमें वाल्व या कपाट उपस्थित होते हैं जो हीमोसिलोमिक फ्लूड को पीछे से वापस आगे की तरफ जाने से रोकते हैं। ए लेटरल चैनल गिव्स आउट वन ब्रांच एंड रिसीव्स टू ब्रांचेज इन ईच सेगमेंट, तो प्रत्येक खंड में पार्श्व शाखा के द्वारा एक शाखा निकलती है और दो शाखाएं जो हैं वो इसके द्वारा यहाँ आकर के जुड़ती है। इट गिव्स आउट ए लेटरो वेंट्रल ब्रांच विच बाइफरकेट्स इनटू एन एंटीरियर एंड ए पोस्टीरियर ब्रांच, तो इससे एक लेटरो वेंट्रल ब्रांच निकलती है जो कि आगे जाकर के दो शाखाओं में विभाजित होती हैं, एक एंटीरियर और दूसरी पोस्टीरियर ब्रांच में। ईच जॉइंस इट्स फेलो ऑफ द अपोजिट साइड मिड वेंट्रली टू फॉर्म ए रेम्बोइडल स्वेलिंग, प्रत्येक जो है वो अपोजिट साइड्स की होती हैं और मध्य अदर में एक रोम्बोइडल यानी आयताकार स्वेलिंग बनाती है जिसको वेंट्रल कमिश्योर ऑफ लेटरल्स इन ईच सेगमेंट, तो प्रत्येक खंड में इसको वेंट्रल कमिश्योर ऑफ लेटरल्स कहते हैं। देन दे टेक द हीमोसिलोमिक फ्लूड टू द एलिमेंट्री कैनाल नेफ्रीडिया एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ईच लेटरल चैनल रिसीव्स ए लेटरोलेटरल ब्रांच इन ईच सेगमेंट फ्रॉम द स्किन, क्योंकि लेटरल चैनल जो है इसका काम डिस्ट्रीब्यूशन का भी है और कलेक्शन का भी है, तो प्रत्येक लेटरल चैनल जो है वो रिसीव करती है लेटरोलेटरल ब्रांच इन ईच सेगमेंट फ्रॉम स्किन एंड नेफ्रीडिया ऑफ इट्स साइड, तो देह भित्ति से और नेफ्रीडिया से आने वाली जो शाखाएँ हैं वो मिलकर के लेटरोलेटरल ब्रांच का निर्माण करती हैं और लेटरल चैनल के साथ में आकर के जुड़ती हैं। एंड ए लेटरोडोर्सल ब्रांच फ्रॉम द स्किन एंड विसरा द लेटरोडोर्सल ऑफ बोथ लेटरल चैनल्स आर कनेक्टेड टुगेदर डोर्सली एबो द डोर्सल चैनल बाई डोर्सल कमिश्योर ऑफ द लेटरल्स। अभी मैंने आपको बताया था कि जो डोर्सल चैनल है उसके ऊपर से होकर के लेटरल चैनल जो है उसकी शाखाएं, जिसकी इसकी शाखा जो है डोर्सल चैनल जो है वो डोर्सल कमिश्योर ऑफ लेटरल्स के द्वारा आपस में जुड़ा हुआ होता है। दस द ब्रांचेज ऑफ लेटरल चैनल्स सप्लाईज द हीमोसिलोमिक फ्लूड टू द स्किन नेफ्रीडिया रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एलिमेंट्री कैनाल एंड लोअर बॉडी पार्ट्स। तो इस प्रकार से लेटरल चैनल के द्वारा हीमोसिलोमिक फ्लूड जो है वो स्किन नेफ्रीडिया रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एलिमेंट्री कैनाल और देह भित्ति के निचले भागों तक भेजा जाता है एंड दे कलेक्ट द हीमोसिलोमिक फ्लूड फ्रॉम ऑल पार्ट्स, दैट इज फ्रॉम अपर एंड लोअर बॉडी वॉल स्किन एलिमेंट्री कैनाल नेफ्रीडिया एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो ये जो है इसका काम डिस्ट्रीब्यूशन का भी है और कलेक्शन का भी है। एंटीरियरली द लेटरल चैनल्स ब्रेक अप इनटू कैपिलरीज इन फिफ्थ सेगमेंट, तो पांचवें खंड में जाकर के जो पार्श्व शाखाएं हैं इनके द्वारा भी कैपिलरीज का निर्माण किया जाता है एंड पोस्टीरियरली दे जॉइन द वेंट्रल चैनल्स और पश्चिम में जाते हुए यह जो है वेंट्रल चैनल्स के साथ में जुड़ जाती है, जैसा कि यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है।
जो नीचे वाला डायग्राम देखें तो आपको ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। ऊपर वाले में तो जैसे इसमें डोर्सल और नीचे वाली वेंट्रल दिखाई गई हैं, वेंट्रल के अंदर जो इसका नर्व कॉर्ड हैं ये इसको एनक्लोज किया हुआ है, और दो पार्श्व शाखाएँ दिखाई गई हैं और पार्श्व शाखाओं से भी निकलने वाली लेटरोलेटरल्स एंड लेटरोडोर्सल्स जो हैं ये डोर्सोलेटरल्स ये दिखाई गई हैं। अब जो डोर्सल है इससे निकलने वाली डोर्सोलेटरल्स है, और जो वेंट्रल चैनल है उससे लेटरोवेंट्रल्स और ये शाखाएं जो निकल रही है, तो ये जो है ये आकर के पार्श्व शाखाओं के साथ में जुड़ती है। सेकंड डायग्राम जो नीचे वाला है इसमें जो बीच में ये जो इसमें लेटरल ब्रांचेस दिखाई गई हैं, तो इससे लेटरल साइनस है और ऊपर की तरफ इससे लेटरोडोर्सल्स निकलती हैं, और ये लेटरोडोर्सल्स आपस में मिलकर के डोर्सल कमिश्योर ऑफ लेटरल्स बनाती हैं जो कि डोर्सल चैनल के ऊपर की तरफ आपस में जुड़ती हैं। इसी प्रकार से इनके द्वारा साइडों में लेटरोलेटरल्स निकलती हैं, और ये लेटरल कमिश्योर के द्वारा लेटरोडोर्सल के साथ में जुड़ी हुई होती है। इसी प्रकार से लेटरोवेंट्रल्स निकलती हैं दो शाखाएँ, और ये लेटरोवेंट्रल्स जो हैं ये आपस में वेंट्रल कमिश्योर ऑफ लेटरल्स के द्वारा आपस में जुड़ी हुई होती हैं, और इसमें से तीन जोड़ी जो है लॉन्गिट्यूडिनल इंटरसेगमेंटल कमिश्योर्स जो हैं संयोजिनी निकलती है। तो इस प्रकार से यह जो लेटरल शाखाएँ हैं इनके द्वारा डोर्सल कमिश्योर ऑफ लेटरल्स बनाया जाता है एंड वेंट्रल कमिश्योर ऑफ लेटरल्स बनाया जाता है जो कि रोम्बोइडल शेप का होता है। तो इसमें वेंट्रल कमिश्योर्स ऑफ लेटरल्स जो हैं यह रोम्बोइडल शेप का है। कैपिलरी सिस्टम ऑफ इरुडिनेरिया ग्रैनुलोसा, ये जो चारों चैनल्स है ये एक दूसरे के साथ में न केवल कम्युनिकेट करते हैं बल्कि इनके द्वारा स्किन मसल्स और बॉट्राइडल टिश्यूज़ में कैपिलरीज या केसिकाओं का निर्माण भी किया जाता है। दीज कैपिलरी सिस्टम एज थ्री मेन सेट्स ए सेट ऑफ बॉट्राइडल कैपिलरीज फॉर्मिंग ए नेटवर्क इन द बॉट्राइडल टिश्यू। तो इससे कैपिलरी सिस्टम से तीन मेन सेट निकलते हैं। एक सेट जो है वो बॉट्राइडल कैपिलरीज का होता है जो कि बॉट्राइडल उत्कों में नेटवर्क बनाता है। कम्युनिकेटिंग विथ द कैपिलरीज ऑफ बॉट्राइडल टिश्यू इज यूनिक, इट मे बी कंपेयर्ड टू वर्टिब्रेट्स इन विच द लिम्फेटिक सिस्टम कम्युनिकेट्स बोथ विथ द सीलोम एंड ब्लड सिस्टम। द सेकेंड पार्ट ऑफ द कैपिलरी सिस्टम इज एन इंट्रामस्कुलर सेट ऑफ कैपिलरीज इन द मसल्स। तो दूसरा सेट जो कैपिलरी सिस्टम का है वो इंट्रामस्कुलर सेट ऑफ कैपिलरीज इन मसल, और तीसरा सेट जो है कुटेनियस कैपिलरीज जो कि स्किन में होता है। डायग्राम में इसका इरुडिनेरिया का पश्च सिरा दिखाया गया है जहाँ पर कि ये तीनों जो हैं वाहिकाएँ आपस में आकर के मिलती हैं। सोविंग यूनियन ऑफ तीनों क्या सॉरी चारों जो लॉन्गिट्यूडिनल हीमोसिलोमिक चैनल्स है उनको दिखाया गया है। तो यहाँ पर डोर्सल हीमोसिलोमिक चैनल जो है यह 22वें खंड में जाकर के लूप बनाते हुए जो है आपस में दोनों शाखाएं इसकी जुड़ जाती हैं। इसी प्रकार से वेंट्रल हीमोसिलोमिक चैनल जो है वो वेंट्रल नर्व कॉर्ड को घेरे हुए हैं, और पिछले खंड में जाते हुए यह बहुत बड़े आकार का हो जाता है। पोस्टीरियर डायलेशन ऑफ वेंट्रल चैनल जो दिखाया गया है, और इसमें सेगमेंटल गैंग्लिया उपस्थित है वेंट्रल नर्व कॉर्ड में। इसी प्रकार से ये जो इसका लेटरल चैनल्स है ये लेटरल चैनल्स भी यहाँ पर पिछले भाग में आकर के इनके साथ में जुड़ा हुआ है, और नीचे की तरफ जो है हीमोसिलोमिक कैपिलरीज निकली हुई है। अभी हमने पढ़ा था कि तीन तरह की कैपिलरीज पाई जाती है, एक बॉट्राइडल कैपिलरीज होती है, दूसरी जो है इंट्रामस्कुलर सेट ऑफ कैपिलरीज होता है, और तीसरा कुटेनियस कैपिलरीज पाई जाती है। जैसा कि यहाँ पे एक फुल डायग्राम में दिखाया गया है, ऊपर की तरफ जो है डोर्सल साइनस है, इससे दो तरह की शाखाएँ निकलती है, पहली है डोर्सोलेटरल्स एंड दूसरी है डोर्सो इंटेस्टाइनल।
डोर्सोलेटरल जो है वो बॉडी वॉल तक हीमोसिलोमिक फ्लूड को पहुंचाती है, और डोर्सो इंटेस्टाइनल्स जो है वो गट वाल तक यानी कि आहार नाल की भित्ति तक हीमोसिलोमिक फ्लूड को पहुंचाती है, और यहाँ से होते हुए हीमोसिलोमिक फ्लूड को लेट्रोडोर्सल्स जो है कलेक्ट करती है वापस, और यहाँ से कलेक्ट करके ये इसको लेटरल साइनस में ले आती है। तो दोनों तरफ से यानी बॉडी वाल से और गट वाल से हीमोसिलोमिक फ्लूड को वापस कलेक्ट करने का काम लेट्रोडोर्सल्स के द्वारा किया जाता है, और कलेक्ट करके ये इसको लेटरल साइनस में ले आती हैं। लेटरल साइनस से होते हुए यह फ्लूड जो है हीमोसिलोमिक फ्लूड लेट्रो वेंट्रल के द्वारा वेंट्रल कमिश्योर ऑफ द लेटरल्स में आता है। तो वेंट्रल कमिश्योर ऑफ लेटरल्स जो है अभी मैंने बताया था कि इसके द्वारा कलेक्शन ये जो है लेटरल चैनल्स के द्वारा बनता है, और इसका काम कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन दोनों है। तो यहाँ पर लेट्रो वेंट्रल्स के द्वारा इन्होंने कलेक्ट किया है, और इन्होंने जो है बॉडी वाल और गट वाल तक हीमोसिलोमिक फ्लूड को पहुँचाने का काम भी करती है। इसी प्रकार से नीचे की तरफ जो वेंट्रल साइनस है और इसके द्वारा भी दो शाखाएं निकलती हैं, एक है एब्डोमिनो डोर्सल एंड वेंट्रल ब्रांच है, और दूसरी है नेफ्रिडियल ब्रांच। नेफ्रिडियल ब्रांच नेफ्रिडिया तक हीमोसिलोमिक फ्लूड ले जाती है, वहाँ से लेट्रो लेट्रल के द्वारा इसको वापस कलेक्ट करके लेट्रल साइनस से होते हुए लेट्रो वेंट्रल के द्वारा होते हुए वेंट्रल कमिश्योर ऑफ द लेट्रल तक ले जाया जाता है। इसी प्रकार से एब्डोमिनो डोर्सल एंड वेंट्रल ब्रांच के द्वारा गोनेड्स और बॉडी एब्डोमन की बॉडी वाल तक एब्डोमन तक इसको ले जाया जाता है, और लेट्रो लेट्रल के द्वारा इसको कलेक्ट करके लेट्रल साइनस से होते हुए लेट्रो वेंट्रल से होते हुए इसको वेंट्रल कमिश्योर ऑफ द लेटरल्स तक ले जाया जाता है, और वेंट्रल कमिश्योर ऑफ द लेटरल्स के द्वारा गोनेट्स और नेफ्रिडिया और एब्डोमन जो वाल है उस तक हीमोसिलोमिक फ्लूड पहुँचाने का कार्य भी किया जाता है। कोर्स ऑफ ब्लड सर्कुलेशन ऑफ द फोर लॉन्गिट्यूडिनल चैनल्स द फ्लूड इन द डोर्सल एंड टू लेटरल चैनल्स मूव्स फ्रॉम बिहाइंड फॉरवर्ड। पृष्ठ में और पार्श्व दोनों चैनल्स में जो है हीमोसिलोमिक फ्लूड जो है वो पीछे से आगे की तरफ बहता है, जबकि जो अदर शाखा है उसमें यह आगे से पीछे की तरफ बहता है। डोर्सल एंड वेंट्रल आर द डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल्स। तो डोर्सल और वेंट्रल जो है वो केवल वितरण का काम करती हैं, जबकि लेटरल जो है वो कलेक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों का काम करती हैं। और सारे के सारे चैनल्स जो होते हैं डायरेक्ट कम्युनिकेशन में होते हैं एक दूसरे के, और पोस्टीरियर एंड में जाकर के, क्योंकि ये आपस में जुड़ जाते हैं। डोर्सल चैनल सप्लाइज फ्लूड टू द डोर्सल एंड डोर्सो लेटरल पार्ट ऑफ द बॉडी वॉल एंड द एंटायर एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम वेयर इट इज़ कलेक्टेड बाई लेट्रोडोर्सल्स एंड विच कैरी द फ्लूड टू द लेटरल चैनल्स। इसी प्रकार से वेंट्रल चैनल्स जो है सप्लाइज द फ्लूड टू द वेंट्रोलेटरल एंड मीडियन डोर्सल रीजन ऑफ द बॉडी वॉल सिलिएटेड ऑर्गन्स नेफ्रिडिया एंड एट्रियम। फ्रॉम ऑल दीज पार्ट्स द फ्लूड इज कलेक्टेड बाई द लेट्रो लेटरल ब्रांचेज ऑफ द लेटरल चैनल्स। लेटरल चैनल्स सप्लाई द फ्लूड टू द नेफ्रिडिया जेनाइटल ऑर्गन्स गट एंड वेंट्रल बॉडी वॉल थ्रू द लेट्रो वेंट्रल्स एंड इज कलेक्टेड बैक थ्रू द लेट्रो लेटरल एंड लेट्रोडोर्सल ब्रांचेज। थैंक यू।